सो क्या है ये डिवाइस एंड क्या काम है इसका होम स्टूडियो में? अगर होम स्टूडियो में इसका कुछ काम भी है तो क्या ये एसेंशियल है हमारे होम स्टूडियो में या नहीं? इन्हीं सब क्वेश्चंस का आंसर मैं करने जा रहा हूँ अपनी इस वीडियो में, सो एंड तक देखते रहो। हे गाइस, दिस इज यूजे एंड वेलकम टू माय चैनल, लेट्स बिगिन। अब जो भी सवाल मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछे थे वीडियो के, उन सभी का आंसर यस है। यस, हेडफोन एम्पलीफायर एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है हमारे होम स्टूडियो का, या अगर आप इसे प्रोफेशनल स्टूडियो में यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी ये एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। हाँ, अगर आप अभी बिगनर स्टेज पर हैं या अभी आपने प्रोडक्शन स्टार्ट करा है तो अभी तो फिलहाल मैं आपको इसे रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट फिर भी अगर आप इसे खरीदते हैं या अगर आप इसे लेते हैं तो ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित होगी आपके होम स्टूडियो के लिए। सो अब जो हेडफोन एम्पलीफायर मैं यहाँ यूज़ करता हूँ वो है बैरिंजर का, बैरिंजर HA 400। बहुत ही डिसेंट सी क्वालिटी का है एंड काफ़ी अफोर्डेबल है आपके होम स्टूडियो के लिए। अप्रॉक्सीमेटली ये मुझे 3000 तक का कुछ अमेज़ॉन पर पड़ा था, तो आप जाकर इसे चेक कर सकते हैं अभी क्या इसकी प्राइस चल रही है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो अब बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। अब बिल्ड क्वालिटी में गाइस, ये पूरा के पूरा मेटल का बना हुआ है एंड जैसे ये मेटल का बना हुआ है तो आपको बहुत अच्छी सर्विस दे देगा, काफ़ी समय तक चलेगा ये। एंड इवन जो नॉब्स भी है वो भी काफ़ी अच्छे डिसेंट क्वालिटी के बने हुए हैं। सो ओवरऑल हेडफोन एम्पलीफायर के साथ हमें यहाँ पर एक पावर सप्लाई केबल देखने के लिए मिलती है एंड सामने की तरफ इसका पावर का इंडिकेटर दे रखा है। रेड लाइट यहाँ पर ब्लिंक होगी तो समझ जाना कि आपका हेडफोन एम्पलीफायर जो है वो प्रॉपर तरीके से पावर ले रहा है। एंड ये हेडफोन एम्पलीफायर बेसिकली 4 आउटपुट के साथ आता है, आप मैक्स टू मैक्स इसमें 4 हेडफोन्स कनेक्ट कर सकते हैं एट अ पर्टिकुलर टाइम। एंड इनपुट के लिए मैं आपको यहाँ पर एक TRS केबल सजेस्ट करूँगा। अगर आप अपने ऑडियो का एक अच्छा स्टीरियो इमेज चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक TRS केबल यूज़ करें, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की। अब इसे बेसिकली मैं यहाँ पर अपने रिकॉर्डिंग सेशंस में अधिकतर यूज़ करता हूँ। एक हेडफोन जो रहता है वो आर्टिस्ट के पास रहता है एंड दूसरा वाला मेरे पास रहता है, ताकि आर्टिस्ट की जो बैकिंग है वो मुझे आती जाए एंड अगर वो स्केल के बाहर गा रहा है या अगर वो मीटर के थोड़ा सा भी बाहर गा रहा है तो उसकी मुझे इन्फॉर्मेशन फटाफट आ जाए एंड उसे मैं उसी वक्त वहाँ पर करेक्ट कर पाऊँ। एंड अगर इसमें कोई सा ही मुझे ड्रॉबैक लगा तो मुझे बस एक ही इसका ड्रॉबैक लगा कि इसमें कोई पावर ऑन ऑफ के लिए कोई स्विच नहीं दे रखा है। आपको अगर इससे डिसकनेक्ट करना है तो इसकी पावर सप्लाई केबल आपको निकालनी ही पड़ेगी एंड थोड़ी सी नॉइस प्रोड्यूस करता है, बट हाँ इस प्राइस रेंज में 4 आउटपुट वाला हेडफोन एम्पलीफायर सफिशिएंट है एक होम स्टूडियो के लिए। सो आप इसे बिल्कुल ले सकते हैं, एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित होगी अगर आप इसे लेते हैं अपने होम स्टूडियो के लिए। सो ये था हेडफोन एम्पलीफायर के बारे में पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दो एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और अगर कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है एम्पलीफायर से रिलेटेड, सो नीचे जाओ एंड कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। एंड ये है मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल, जाके मुझे फॉलो करो इंस्टाग्राम पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू एंजॉय दिस, थैंक यू।